अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक मतलब फिर से हमारे शॉर्ट नॉवल, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे से रोमैसा डैने ने लिखा है। कंप्लीट मैं यही पर आज देने वाली हूँ। माशाल्लाह से जैसे पिछले योर माई लाइफ पर आपका रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, वैसे ही इस पर भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट नॉवल भी कम्प्लीट यहाँ पर लेकर आऊँगी। तो अब बढ़ते हमारे आज वाले इस नॉवल को, तुम मेरी हो बाय रोमैसा डैनियल। करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक से शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बढ़ते हमारे आज वाले इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से नॉवल को। सहरिश हमेशा की तरह आज भी जल्दी ऑफिस जा चुकी थी और रात तक देर काम करने की आदत आज भी इसे थी, जबकि इसे घर से 10 कॉल्स आ चुकी थी क्योंकि सुबह नया साल शुरू होने वाला था और इसकी वादा ने इसे सुबह ऑफिस जाने से पहले भी यही हदायत की थी कि वो जल्दी घर आए। लेकिन अपने काम में वो इतना मसरूफ़ हो गई कि इसे ये खबर भी ना रही कि आज इसने जल्दी वापस घर आना है। रात के 9 बजे जब एक मरतबा फिर से इसे कॉल आई, तब इसे होश आया और इसने कॉल को एक्सेप्ट किए, सॉरी सॉरी अम्मी वो मैं भूल गई थी। ऐसे कैसे भूल गई, इतनी मरतबा कॉल्स कर चुकी हूँ, अपने काम से निकल कर बाकी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भी ध्यान दे दो। हद होती है तुम्हारी, बहनें कब से मेरा सर खा रही हैं कि आप ही से पूछो गिफ्ट ले लिए इनके लिए, और तुम तो अभी काम ही कर रही हो और दुकानें तो बंद भी हो गई होंगी। मम्मी क्या करूं, आप जानती हैं पूरे एक हफ्ते की छुट्टियां होने वाली हैं, तो सोचा आज ही काम पूरा कर दूँ और आई प्रोमिस इस पूरे हफ्ते में एक मिनट भी यूँ फिजूल ज़ाया नहीं करूँगी, सारा टाइम आपके साथ आपको आप सबको ही दूँगी। अच्छा अच्छा पहले आओ तो सही। जी अम्मी बस मैं अभी आई। अपने पर्स में सामान को डालती वो कुर्सी से खड़ी होने लगी, लेकिन जब इसने अपने ऑफिस की विंडो से बाहर झांक कर देखा तो सभी कैबिन्स को बंद देख वो चौंक गई। ओ शिट, ये क्या, लगता है सभी जा चुके हैं, इतना टाइम कैसे हो गया और मुझे अब बताया भी नहीं, शायद सभी जल्दी चले गए। हद होती है, काम से तो ऐसे भागते हैं जैसे कि पता नहीं क्या। वो हंसती हुई खुद से बड़बड़ाई, अपने कैबिन से बाहर निकले, वो ताले को लगाती वहाँ से बाहर जाने लगी। हर जगह की लाइट्स ऑफ इसे थोड़ा सा डराने का बायस बनी। इसी जैसे तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए वो जाए जाए, लेकिन तब इसके हाथ पांव सुन पड़ गए जब मेन दरवाज़ा लॉक था। बाहर की तरफ एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिसे देख वो खटखटाती, हेलो वॉचमैन कोई है, कहाँ चले गए सभी, हेलो गाइस, ऊँची आवाज़ में चीखती मदद के लिए पुकारने लगी। लेकिन सभी लोग जा चुके थे, इसी वजह से गुस्से से वो अपने पाँव को पटकती, ऐसे कैसे मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए सभी, इन्हें क्या मालूम नहीं था कि मैं अंदर हूँ, इतनी कौन सी क़यामत टूट गई थी। वो गुस्सा करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो चुकी थी कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे जाए। मैं अंदर जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पर कोई मौजूद हो, वापिस से ऑफिस के अंदर जाने लगी इससे उम्मीद में कि शायद कोई और भी मौजूद हो यहाँ पर। अंदर की तरफ जाते ही सिवाय सन्नाटे के और कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली गई जिसके बायस इसका दिल खौफ के मारे धड़कने की रफ्तार बेहद ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसे माहौल में कोई भी डर जाता। डरती हुई वह जल्दी से अपने पर्स में से मोबाइल को निकालने लगी, लेकिन हाथ पांव कांपने के बायस इससे जिप भी ना खुल रही थी। वह मुश्किल से मोबाइल को निकालती, अभी किसने बटन को दबाए मोबाइल को ऑन किया ही था कि तभी इसके साथ पूरे तरीके से कोई वह चोट टकराया जिसके बायस इसके हाथ से मोबाइल छूट कर ज़मीन पर गिर गया और साथ ही ज़ोर ज़ोर से डर के बायस वो चीखने लगी। वो डर चुकी थी ये देखकर कि शायद
इस वीरान जगह पर इसके अलावा कोई जिन या भूत में भी मौजूद हैं जिसके साथ वो टकरा गई। लेकिन यूं इसे चीखते देख इस वजूद ने इसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। इंसान के हाथों जैसे हाथ को महसूस करती वो खामोश होती इसके हाथों को पीछे करने लगी। इसके हाथ पाजों को महसूस किए वो थोड़ा सा इसके हाथ को पीछे किए। कौन हो तुम? अभी इसने सवाल किया ही था कि इसी पर लाइट वापस आ गई। अपने सामने एक लंबे कद के शर्ट पैंट को पहने खड़े शख्स को देख वो लंबी सांस लेती। तुम कौन हो? शुक्र तुम यहाँ पर हो, वरना बहुत डर चुकी थी मैं। क्या तुम भी मेरी तरह फंस चुके हो? वो एक साथ काफ़ी सारे सवाल कर गई। मेरा नाम आमिर है और मैं यहीं पर ही काम करता हूँ। एक्चुअली मैं भी फंस चुका हूँ यहाँ पर। जल्दी जाने के चक्कर में वॉचमैन बगैर कंफर्म किए हमें लॉक करके चला गया। मैंने तो पहले सोचा था कि शायद मैं अकेला ही हूँ, लेकिन तुम भी हो देख अच्छा लगा। मुझे भी वैसे तुम यहाँ पर काम करते हो, लेकिन इत्तेफाक से हमारी मुलाकात ही पहले कभी ना हुई, सहरिश ने हैरानगी से पूछा। हाँ मैंने कई मरतबा देखा तुम्हें, काफ़ी तारीफ़ें करते हैं ये सभी ऑफिस वाले, लेकिन शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा। हाँ वो बस काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। वैसे हम कैसे जाएंगे? वो मैं कॉल करने वाली थी। एक मरतबा फिर से इसे याद आई कि वो तो अपने मोबाइल को कॉल करने वाली थी। लेकिन जैसे इसने नीचे गिरे अपने मोबाइल की तरफ देखा तो इसके हवास ही उड़ गए। शिट 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 ऐसे कैसे हो गया? ज़मीन पर बैठती वो अपने टूटे मोबाइल को देखे बोली, और सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था, शायद अंधेरा होने के बायस मैं तुम्हारे साथ टकरा गया और मोबाइल नीचे गिर के मेरे पाँव के नीचे आकर टूट गया। वो माफ़ी मांगने लगा था शर्मिंदा होकर। इट्स ओके, एक्चुअली मुझे कॉल करनी थी ताकि बता सकूं कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। खैर तुम कॉल कर दो ताकि हम यहाँ से जा सकें। कॉल काश कर सकता बट बैड लक, देखिए मैं सुबह मोबाइल चार्ज पर लगा भूल कर यहाँ पर आ गया। मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, रात को तो जल्दी वापस चले ही जाना है। आमिर ने भी बता दी सारी बात। अब क्या करें हम? लैंडलाइन वहाँ से कॉल करके देखते हैं। वो तेज़ी से भागती हुई अपने ऑफिस की तरफ जाने लगी। आमिर भी इसके पीछे चल दिया था, लेकिन अपने कैबिन के पास पहुँचती वो ताले को देखे और शिट अब क्या करूँ, क्योंकि सभी कैबिन्स की चाबियाँ तो वॉचमैन के पास ही हैं। मैं इसकी शिकायत करूँगी, ऐसे वॉचमैन को रखने का मतलब, वो गुस्से से इसने क्या करना है के बारे में बताए जाए। अब क्या करें, एक हफ़्ता बंद रहेगा और हम एक हफ़्ता यहाँ पर नहीं गुजार सकते। सब कुछ लोग हैं और भूखे प्यासे वैसे ही मर जाएंगे हम। वो जज्बाती हुई इसे समझाने लगी। जस्ट रिलैक्स, मेरा कैबिन खुला हुआ है, वहाँ पर पानी बाथ और खाना सब कुछ मौजूद है, हम वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है। क्या तुम्हारा कैबिन ओपन है? लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब कि तुमने लॉक नहीं किया था क्या? सहरिश ने हैरानगी से पूछा। हाँ वो एक्चुअली मैंने अपने कैबिन के ताले की चाबी अपने पास ही रखता हूँ। हाँ चलो जल्दी, वहाँ का लैंडलाइन तो होगा ही, वहाँ पर जाकर हम कॉल कर लेते हैं। अलग से खुशी इसके चेहरे पर बिखर चुकी थी। सॉरी अगेन, क्योंकि लैंडलाइन मेरे कब से ख़राब है, मैंने कहा वॉचमैन से बट इसने कुछ नहीं किया। क्या सभी बदनसीबी हमारे साथ ही जुड़नी थी? वो परेशान होती गुस्सा करने लगी। देखो तुम पैनिक मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, सुबह तक शायद कोई आ जाए। फिलहाल तुम चलो कैबिन, हम वहाँ पर वेट कर लेते हैं। वो वैसे कांधे से पकड़ता अपने साथ जाने का कहने लगा। ओके कहते हुए इसके हाथ को पीछे के खुद इसके साथ चलने लगी। आमिर भी कुछ ही दूर मौजूद कैबिन के करीब ले जाता दरवाजे को खोल। ये रहा मेरा छोटा सा कैबिन, चलो अंदर। वो यूँ बिहेव कर रहा था जैसे कि बहुत अनोखी जगह वैसे ले आया है वो।
केविन के अंदर दाखिल होती वो कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ पर एक टेबल मौजूद था और तीन कुर्सियाँ। आमिर जूस के छोटे डब्बे को छोटी सी फ्रिज से निकालता शहज सहरिश की जानब की ये लो और पी लो, देखो रिलैक्स रहो क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आमिर के तसल्ली देने पर सहरिश ने भी जूस के डब्बे को पकड़ लिया। आमिर मुस्कुराता सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा वैसे अब फ्री टाइम है तो एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम आमिर है और मैं यहाँ पर 5 माह से काम कर रहा हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है मेरा, और मेरे क्रश तुम हो। मेरा मतलब इतनी तारीफें सुनी है मैंने तुम लोगों के बारे में कि क्या बताऊँ, बस तब से तुम जैसा बनने की कोशिश करने लगा। थैंक यू सो मच, बस मेहनत का फल मिल जाता है। वो खुश होए हुए थे अपनी तारीफ को सुनकर। ये सब कुछ यूँ ही नहीं मिला मुझे, बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के 5 साल पहले गुजर जाने के बाद सब जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बाबा पहले यहीं पर ही काम किया करते थे और फिर इनकी जगह मुझे बहुत मुश्किल से काम पर रखा, क्योंकि बच्चे समझ कर कह रहे थे कि मैं काम ठीक नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से इन सबको साबित कर दिया कि उम्र से कुछ नहीं होता। वो उदास होने के साथ साथ बेहद फख्र भी कर रही थी खुद पर। वाओ तुम तो मिसाल हो सब लड़कियों के लिए। आमिर जो कि मुसलसल सहरिश से बातें किए जा रहा था और साथ ही तारीफें भी, जिसे सुन सुनकर सहरिश हंस भी रही थी और खौफ सता भी हो रही थी। मुसलसल 1 घंटे की बात करने के बाद आखिर आमिर ने सहरिश से सवाल किया, तुम्हारे लाइफ में कोई मर्द है? मेरा मतलब कि कोई बॉयफ्रेंड, मंगेतर, वो न जाने क्यों। सहरिश से पर्सनल सवाल पूछ गया। सॉरी इट्स टू पर्सनल, सहरिश ने भी इसे जवाब देने से सामना कर दिया। सॉरी अगर बुरा लगा हो, वो पता नहीं क्यों मैंने ये पूछ लिया। वैसे मेरे लाइफ में भी कोई नहीं है, पहले थी एक लड़की पसंद करता था लेकिन वो किसी और को लिए निकल गई। वो हंसने लगा लेकिन सहरिश को इसकी बात पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इस बात के बाद सहरिश खामोश रही, इसने और कोई बात नहीं की थी। आमिर भी उठ खड़ा हुआ फ्रिज से पानी लेने की खातिर, लेकिन तभी इस कमरे में मोबाइल की रिंगटोन बजना शुरू हो गई, जिसे सुनते ही सहरिश चौंक उठी। आमिर इस आवाज़ को सुने तेज़ी से बाहर निकल गया और सहरिश वहीं पर ही खड़ी होती। ये तो मोबाइल की ट्यून थी और आमिर की जेब से आ रही थी। कहीं इसके पास मोबाइल तो नहीं, फिर झूठ क्यों बोला, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि आमिर इससे झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ करती, आमिर कमरे में दाखिल हुआ और हंसते हुए, एक्चुअली अलार्म बजने लगा था, पता नहीं कैसे इसके चेहरे से इसका झूठ साफ दिखाई दे रहा था। तुम उसे झूठ बोलना बंद करो, पागल या गवार नहीं हो जो अलार्म और मोबाइल के ट्यून को पहचान ना सको। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ, बोलो, सहरिश गुस्से से चीख कर बोले, जिसे सुनता वो हंसते हुए इसके करीब आता। देखो आराम से तुम यहाँ पर बैठो, मैं बताता हूँ कि क्या सच है। वो एक मरतबा फिर से इसे कंधों से पकड़े कुर्सी पर बैठने का कहने लगा, जिसे सुनते सहरिश इसके हाथों को पीछे किए एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। दूर रहो मुझसे, तुम क्या अकेले लड़की को देखकर समझ क्या लिया कि मेरे साथ कुछ भी करोगे, यहाँ और कोई तो है ही नहीं तो तुम्हें अयाशी करवाती रहूँगी, वो दांतों को पीसती हुई बोली। लेकिन आमिर ने जब बदले में इसे थप्पड़ मारा जो कि इसके कानों को कुछ सेकंड्स के लिए बंद करने का सबब बना, और वो बुरे तरीके से टेबल पर गिर गई। हाँ सही कहा तूने, तुझे यहाँ पर रखने का प्लान मेरा ही था, तो बोल अब क्या करेगी। अयाशी तो करेंगे, वो भी पूरा 1 हफ्ता, और तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसे बालों से पकड़े हुए इसका चेहरा अपने करीब करते ऐसे मुकम्मल प्लान बता गया। छोड़ो मुझे, जान ले लूँगी तुम्हारी अगर तुमने मुझे टच भी किया तो, वो भी बहादुरी से मुकाबला करते से धमकी देने लगी। हाय मैं तो डर गया, 6 माह से तुम्हारी एक झलक खुद पर डालने के लिए तरसता रहा, लेकिन तुम तो इतनी मगरूर थे मुझे नोटिस तक भी नहीं किया, इसलिए मैंने सोच लिया कि तेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा।
अपनी मोहब्बत का तुझे दिखाना ही पड़ेगा। अपने हाथ को वो टेबल पर गिरी सैरिश किरानों पर फेरता अपना मकसद बता गया। इसे गरूरपन नहीं शरीफपन कहा जाता है। तुमने मैंने अपने बॉस तक को भी सिवाय काम के ना कभी बात की और ना ही कुछ कहा। यही बात तो मुझे तेरी पसंद आई। अब बस बहुत हो गया बातें, चलो मोहब्बत बांटते हैं। तुझे दिखाना भी तो है कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रानों से ऊपर की जाने बढ़ता वो भी हुदा किस्म की बात कह गया। अपने प्राइवेट हिस्से की जानब इसके हाथ को बढ़ते देखो खौफ से उछलते, दूर हो मुझसे वरना जान ले लूँगी तुम्हारी। वो हाथ पाँव चलाकर उछलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आमे भी इसके हसास हिस्से पर अपने हाथ को ले जाता रगड़ने लगा। पहली मर्तबा किसी मर्द का हाथ अपने इस हिस्से पर महसूस करती हुआ तड़प उठी और ज़ोर से चीखती छोड़ो मुझे, हेल्प मी, मदद के लिए पुकारने लगी। जबकि ये बात सबको मालूम थी कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। आमे भी इसके हसास हिस्से पर हाथ फेरता रगड़ने का काम जारी रखता, साथ ही इसके होठों को भी चूमने लगा। इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सरिश क्या कर रही है। इसके होठों को वह बेरहमी से चूम रहा था क्योंकि सरिश जितना ही इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती वो भी इतनी ही बेरहमी से इसे चूमे जाए। आखिर वो अपना पागलपन निकालने की खातिर सरिश के पहने ट्राउज़र को नीचे की तरफ करना शुरू हो गया, जिसे देख सरिश पूरी हिम्मत करती अपनी टांग के घुटने को जोर से आमिर के पेट पर दे मारा, जिसका दर्द आमिर को काफ़ी हुआ। इस वजह से वो खुद इसके ऊपर से दूर हटता पेट को पकड़े आउच करने लगा। आमिर को खुद से दूर होते देख वो जल्दी से टेबल से उठती बाहर की तरफ भागने लगी। वो इस शख्स के साथ इस जगह तो हरगिज़ नहीं रह सकती थी। किसी न किसी तरीके इसने इस जगह से निकलना था। सभी कैबिन्स के दरवाज़ों को वो खटखटाती खोलने की कोशिश किए जाए, कोई तो ओपन हो और वहाँ से कॉल कर सके मदद के लिए, लेकिन हर चीज़ लॉक थी। सरिश को कोई समझ नहीं आ रही थी, साथ ही रोने की वो बस भागे जाए। कुछ ही फासले से इसे एक मर्तबा अपने से आमे की आवाज़ अपने कानों में पड़ती सुनाई दी। सरिश तुम उससे बच कर हर किसी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ना छुपने की जगह है और ना बाहर निकलने का रास्ता। सरिश तुम उसे बचकर हर किसी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ना छुपने की जगह है और ना ही बाहर निकलने का रास्ता। अगर मेरी मोहब्बत को समझ कर मुझे एक्सेप्ट कर लो तुम तो तुम्हारे लिए आसान होगा, वरना मैंने तुम्हें मनवाना है। जानता हूँ अच्छे तरीके से वो एक पागल इंसान था, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी थी। सरिश को इस आमर किसी हैवान से कम तो हर किस दिखाई नहीं दे रहा था जो कि अपने शिकार के पीछे पागल हुआ पड़ा है। एक मरतबा फिर से मेन डोर के पास आती वो हर मुमकिन कोशिश करने लगी इसे खोलने की, लेकिन हमेशा की तरह अब भी नाकाम। वो इस पल बस किसी भी सूरत इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। वो ऑफिस जहाँ पर वो खुद को काफ़ी रिलैक्स फील करती थी, आज इसी ऑफिस में से डर लग रहा था। इसका दिल तो वापस कभी भी यहाँ पर ना आने का फैसला भी करने लगा। आमिर के जूतों की आवाज़ जो कि यहीं पर ही आ रही थी को सुनती वो खौफ के मारे अपने दाएं बाएं जानिब देखने लगी कि आखिर अब वो कहाँ छुपे। तभी इसे पास एक छोटा सा लोहे की बनी चीज़ दिखाई दी, जिसे जल्दी से वो उठाती दीवार के पीछे जाकर छुप गई। अब की मर्तबा वो हिम्मत से इस शख्स के साथ मुकाबला करने का इरादा रखती थी। इसी वजह से अब वो इसके सर पर इस चीज़ से वार करके इसी के मोबाइल से मदद मांगने का सोच आमिर के यहाँ पर आने का वेट करने लगी। वो भी सीटी बजाता बड़े ही आराम के नॉर्मल अंदाज से इस जानब आता, सरिश कहाँ पर हो यार, इतने नखरे क्यों कर रही हो तुम, क्या जानती नहीं ये न्यू ईयर की रात है और हमारा भी तो हक बनता है ना कुछ मज़े करने का। हम अपना न्यू ईयर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। कम ऑन बेबी, सिर्फ आधा घंटा बचा है नया साल शुरू होने में। वो यूँ बात कर रहा था जैसे कि सरिश भी इसे पसंद करती हो। लगता है मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। अच्छा सामने तो आओ,
इस जगह वो नज़र दौड़ाए सहरिश को तलाश किए जा रहा था। सहरिश भी अपने खुश खो रहे गले को थूक निगलती तर करने की जद्दोजहद में लगे मज़ीद मजबूती से इस लोहे की चीज़ को पकड़े अपने मज़ीद करीब आमिर को आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही आमिर इसके करीब पहुंचा, इसने फौरन से बिना टाइम वेस्ट किए वार कर दिया, लेकिन गलती से और आमिर के लंबे कद होने के बायस इसने वो वार सर की जगह कांधे पर कर दिया। शिट शिट शिट, क्या पागल हो चुकी हो तुम? अपने कांधे को हाथ से पकड़े वह दर्द से चलाता गुस्सा करने लगा। सहरिश एक और वार इस पर मजीद करने ही वाली थी कि आमिर ने इसके हाथ को पकड़े पूरे तरीके से इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद सहरिश नीचे गिरने वाली थी, पर आमिर ने इसे पकड़ कर बाजों को इसी के कमर के साथ लगाए मरोड़ दिया। सहरिश दर्द से चिल्लाने लगी थी, लेकिन आमिर इसके कान पर बुरे तरीके से काटता। समझते क्या हो खुद को, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ यूँ हम जैसे आशिकों की कदर क्यों नहीं करती? लेकिन कोई बात नहीं, कदर करवाने से ही तो होती है, मैं भी करवा लूँगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ तो चलो। वह इसे अपने साथ कहीं जाने का कहने लगा, जिस पर सहरिश भी मजबूत कदम किए। छोड़ो मुझे वरना मैं जान ले लूँगी तुम्हारी, कोई आम लड़की नहीं हो जो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो। कि तुम लोगों को समझ नहीं आती क्या कि ना का मतलब ना ही होता है? लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, लगता है अभी तक भी मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। ओके तुम रुको, भी एक हाथ से इसे पकड़े वो दूसरे हाथ से अपनी शर्ट की जेब से रुमाल निकाले इसके हाथों को इसी के कमर के साथ लगाता बांधने लगा। जिस पर सहरिश पे डरते क्या कर रहे हो तुम, पूछने लगे। कुछ नहीं, बस तुम्हारे ये हाथ बहुत नटखट है, इस वजह से अब कुछ देर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पूरी मजबूती से अपने रुमाल से सहरिश के हाथों को बांधे इसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। सहरिश मुकम्मल तौर पर बुत बन चुके थे, क्योंकि इससे अपने हाथों के हिला पाना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। आमिर भी इसे वापस अपने कैमरे में ले जाता, टेबल पर मौजूद सभी चीज़ों को उठाकर एक कुर्सी पर रखे जाए न जाने क्या करने का इरादा रखता था वो। सहरिश एक मतलब फिर से भागने लगे, लेकिन आमिर फौरन से शर्ट से पकड़े फिर से इसे धोखा। नफरत है मुझे ऐसे लड़कियों से, किसी गुड़िया की माँ इनको पेड़ से पकड़े सहरिश को टेबल पर बिठा दिया। मेरे हाथों को खोलो, वो बॉन्ड करने के अंदाज से बोली। जिसे सुनता वो हंसते हुए अपनी जीन्स के बटन को खोलने लगा, जिसे देख सहरिश अपना चेहरा पीछे किए कि किस किस्म के इंसान हो तुम, इससे नफरत आ रही थी। तुम्हारा लवर, आशिक, मोहब्बत, दीवाना कुछ भी नाम दे सकती हो तुम मुझे। हाँ वैसे हस्बैंड भी कह सकती हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं ये सब अभी तुम्हारे साथ क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें मैं इस काबिल ही नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर बने। तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई जब ऑप्शन ही नहीं मौजूद होगा तो फिर शादी तो मुझसे ही करोगी। वो पागल हो चुका था, बल्कि वो हमेशा से ही नफ्सियाती मरीज़ था। इसी वजह से तो वो ये सोच कर सहरिश के साथ नहीं जाने क्या कुछ करने का इरादा रखता था। गलत सोचा तुम्हारी, तुम चाहे जान भी क्यों ना ले लो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने जैसा गुनाह मैं फिर भी नहीं करूँगी, समझे तुम? वो गुस्से से चीखी, क्योंकि आमिर की सोच में इसे नफरत आ रही थी। और अच्छा तो ये वक्त ही बताएगा, आमिर के चेहरे पर गुस्सा होने के साथ साथ अजीब किस्म की नफरत भी थी, जैसे कि इसे सहरिश की बात बुरी लगी हो। सहरिश जो कि इस टेबल पर से उठने की लातेदार मरतबा कोशिश कर चुकी थी कि करीब आते ही वह इस पर झुकता इसके सीने पर अपने चेहरे को रखे इसकी शर्ट के ऊपर से ही इसके भारों को चूमने लगा। इसकी शर्ट को फाड़े इसने इसे उतार। सहरिश के वजूद को ढांपने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज ही मौजूद था, लेकिन सहरिश ने अभी भी हिम्मत न छोड़ी, वह कोशिश कर रही थी अब भी अपने हाथों को खोलने की। लेकिन तभी आमिर को कॉल आ गई, मोबाइल की टोन बजते ही वह सहरिश को छोड़े मोबाइल निकाले देखने लगा। यार एक तो लोग डिस्टर्ब करना नहीं छोड़ते, खैर तुम यहीं पर ही रुको, मैं कॉल सुनकर आता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वरना शक हो सकता है किसी को भी, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे अपना काम आग दबाता वो हंसता बाहर चला गया। सहरिश किसी भी हाल में खड़ी होने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो यहाँ पर तो हर किसी नहीं रह सकती थी। वह मुश्किल से वो आखिर उठ खड़ी हुई, बेशक इसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन इसने अपनी हिम्मत को हर किसी नहीं छोड़ा।
उठते वो इधर उधर देखने लगी कि कैसे वो अपने हाथों को खोले। तब भी इसकी नज़र एक कील पर पड़ी। वो जल्दी से इसके करीब पहुँचे और अपने हाथों को बांधे रुमाल को इस कील के पास करके खोलने की कोशिश करने लगी कि 2 मिनट की कोशिश आखिर कामयाब हुई। वो अपने हाथों को खोलने में कामयाब हो गई। अपने हाथों को आज़ाद देख वो खुश होती इस कैबिन से बाहर की तरफ निकलने लगी, लेकिन अचानक से आमिर के साथ टकरा गई। तुम कहाँ पर जा रही हो? यूँ सहरिश के हाथों को खुले देख किसने भावे को सुकेड़े पूछा। सहरिश भी बगैर इसके सवाल के चलते पूरी ताकत के साथ इसे पीछे की जानब धक्का देती वहाँ से भागने लगी। आमिर भी इसके पीछे लग गया, लेकिन अब की मर्तबा इसे गुस्सा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितनी मर्तबा समझाओ तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो। देखो अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा हरगिज़ नहीं होगा। वापस आओ अभी के अभी। आमिर की बातों को इग्नोर करती वो तेज़ी से भागे जा रहे। इस ऑफिस की छत पर जाना चाहती थी, लेकिन छत पर जाने का रास्ता काफ़ी लंबा था। सहरिश जो कि नॉन स्टॉप भागते हुए आखिर इस जगह पहुंचने ही वाले थे कि तभी किसी ने बुरे तरीके से इसके टांग पर चीज़ को मार, जिसके बाद वो बुरे तरीके से औंधे मुँह ज़मीन पर झा गिरी। अचानक से अपने टांग पर इसके अंदर ज़ोर से चीज़ लगने का दर्द वो कैसे सहन कर पाती, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और वापस से खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर आमिर भी पहुँच गया और इसे बालों से पकड़े इसके सर को ऊपर की तरफ करते। समझती क्या हो तुम खुद को? कहा था ना सब प्यार से हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें हजम नहीं हो रहा। छोड़ो घटिया इंसान, वो भी चीखते इस अपने बालों को छोड़ने का कहा, जिसे सुना आमिर ने एक जोरदार थप्पड़ सहरिश को दे मारा और साथ ही इसकी टांग पर जो चोट लगी थी पर अपने पाँव को रखे बुरे तरीके से मसलता। अब बोल के क्या बोल रही थी तू? आमिर के भाई जूते अपने दर्द होने करने वाले हिस्से पर रखे दबाते थे, कुछ चिल्लाने लगी, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जो इसकी आहों पुकार सुन सके। बुरे तरीके से इसके जबड़े को पकड़ता, औकात में रह वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, औरत है तो औरत बनकर ही रह। इसकी दी जाने वाली तकलीफ को सहती वो अदमुई हो गई और इससे अब हिम्मत ना बची थी आमिर का सामना करने की, जिसका फायदा वो बखूबी उठाता ज़मीन पर बेहाल पड़े सहरिश के ऊपर झुकता इसके ट्राउज़र को उतारने लगा। वो इसे रोकने की सहरिश में भी हिम्मत हरगिज नहीं थी। ट्राउज़र को उतारते ही वो अपनी चीज जिसका बटन पहले से ही खुला हुआ था को नीचे केस पर झुकते इसके चेहरे की तरफ देख के पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि वो शुरू करने वाला था अपना असली मकसद। तुम आँखों को खोलो, इसने आमिर की तरफ देखा जो कि वजूद इसके वजूद पर काबिज और आखिरी मरतबा वो बामुश्किल से बोलने की मत करो ऐसी, जिसे सुनता बगैर सुने बगैर इसकी किसी भी बात का जवाब दिए एक ही झटके में इसकी जगह इस जगह खौफनाक चीख से यहाँ के सन्नाटे को ख़त्म करने का बायस बना। इस कदर तकलीफ को सहती वो अपने पहले वाला सभी दर्द भूल चुकी थी और अपने हाथों से इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जान पर बनाई थी इसकी। आमिर भी इसके हाथों को पकड़े ऊपर की जानब करता, इसीलिए पसंद हो तो मुझे पहली मरतबा, आखिर मैंने ही तुम्हें छुआ, इस पास से तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत मज़ीद बढ़ चुकी है। वो यूँ कह रहा था जैसे कि वो इसका शोहर हो। इससे पहले ही सहरिश कुछ और बोल पाती आमिर ने एक मरतबा फिर से हिलना शुरू किया। इसकी शिद्दत इस कदर तकलीफ दे थी जो कि सहरिश के अंदर करंट तोड़ने का सबब बनती। सहरिश के इसके आगे मिन्नत करना इसे डिस्टर्ब करने का बायस बन रहा था, इस वजह से वह साथ ही इसके होंठों को चूमे अपने लबों में लिए चूमने लगा। सहरिश की टांगों को पकड़े ज़बरदस्ती अपनी कमर के कीट बांधता वो पूरे जोश के साथ शिद्दतें लुटाने लगा था। वह जोत था मानो कि आमिर की शिद्दतों से बुरे तरीके से हिले जाए मुसलसल। 10 मिनट तक इसकी तकलीफ सहरिश को दी, आखिर वो खामोश हो गई। इससे बेहद अफसोस था कि वो खुद को बचा नहीं पाई, आखिर कामयाब कर ही डाला इसने इसे। पूरे 10 मिनट बगैर रुके आमिर ने जो पूरे जोश के साथ सहरिश को शिद्दतें लुटाई थी इसे थकता वो हंसते हुए मज़ा आ गया, कसम से उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी मज़ा आया हो। इसी पोजीशन में लेटा आके वो सहरिश के पहने ब्लाउज को ऊपर की तरफ खींच के अबहारों को पकड़े चूमने लगा। वो हर तरह के सहरिश को हासिल कर रहा था। सहरिश थकते से कुछ भी करने से ना रोक रही थी, क्योंकि सदमे में जा चुकी थी वो। 2 मिनट इसके अबहारों को चूमे आखिर वो 1 मिनट को फिर से इसे छोड़ता अपने हवास मिटाना शुरू हो गया। कुछ देर तक इसी जारी अमल को किए वो उठ खड़ा हुआ, वापस अपनी चीज़ को पहने वो सहरिश को बेसुध पड़ी देख, चलो उठो यार, अब क्या ज़मीन पर ही रहने का इरादा है?
चलो शाबाश खड़ी हो जाए, चलो वापस से कैबिन में आराम तो ये तो करना है। सहरिश को कहने के बावजूद वो वैसे ही पड़ी थी। जिसे देखा कि वो इसके कपड़ों को वापस ही पहनाता ज़बरदस्ती कोर में उठा ले जाने लगा। सहरिश बिल्कुल खामोश थी। कैबिन में ले जाते ही वैसे कुर्सी पर बैठा के और पानी गिलास पर ला कर इसकी जानब करता, ये लो और पी लो, जानता हूँ थक चुकी होगी। अब बस हाँ तो नहीं होता ना, तुम्हारे लिए तो पहले मरतबा ही था। और फ़ख्र से यूँ इसे बता रहा था जैसे कि बहुत महान काम किया हो इसने। सहरिश ने पानी का गिलास पकड़ने से साफ मना कर दिया और अपनी आंखों को बंद करके वहीं पर ही लेट गई, क्योंकि फिलहाल इसे अपना वजूद भी बुरा लग रहा था। रात के 4 बजे सहरिश जो कि गहरे नहीं सोई हो तो जैसे ही वो बेहोश हो चुकी हो कि अपने गर्दन पर किसी का हार्ट टच महसूस हुआ, जिसे देखती पहले तो इसने इग्नोर कर दिया, लेकिन एक बार जब फिर से इसी हाथ को अपने सीने को घेरते देखो फौरन से अपनी आंखों को खोल गई। क्या करे हो तुम? आमिर को अपने बेहद करीब देख किसने हाथ से इसे पीछे किया। तो कुछ नहीं, बस वो दोबारा तुम्हारी तलब हो रही है तो चलो एक बार फिर से करें। वो पागल हो चुका था, इसी वजह से सिर्फ उसे बार बार वही करने का कहे जाए। तुम पागल हो चुके हो, एक मिनट पर तुमने जो कर लिया मेरे लिए बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल है, और अब दोबारा फिर से वही सब करने की बकवास कर रही हो। अब वो अपना गुस्सा निकालने लगी थी। जैसे देखो इसे गर्दन से पकड़े जितना कहता हूँ इतना ही किया करो, अब एक हफ्ता यहाँ क्या दीवारों को देख कर गुजारेंगे गुजारोगे? एक हफ्ता हमारा हनीमून स्पेशल वीकेंड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रोमांस करेंगे, समझी तुम? छोड़ो मुझे, इसका हाथ जो कि सहरिश के सांस रोक रहा था को वो दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आमिर कहाँ छोड़ने वाला था इसे। उठाता टेबल पर बुरे तरीके से लिटाए अपनी जींस को नीचे खिसका गया अपनी टांग की। जब सहरिश ने हिलाया तो दर से जान जाने लगी, क्योंकि रात को चोट का असर अब हो रहा था। इससे पहले को कुछ कर पाते आमिर इसे रानों से पकड़े टेबल से थोड़ा नीचे किए, एक ही झटके में अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू हो गए। छोड़ो मुझे, वो अपने वजूद को लाती हर मुमकिन कोशिश कर रही थी आमिर को खुद से दूर करने की, लेकिन जितना वो हिलती वो इतनी ही मजबूती से इसके बाजू को पकड़ता, साथ ही उसके जोश में भी इजाफा हो जाता। पूरे 4 दिन गुजर चुके थे जिसमें न जाने कितनी ही मरतबा वो सहरिश के वजूद को नोच चुका था। वो हमेशा हर मुमकिन कोशिश करती खुद को बचाने की, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम। आखिर वो खड़ी यहाँ है कि जब इससे उम्मीद हुई खुद को आज़ाद होते देखने की, बाहर का मेन डोर ओपन किया जा रहा था और लोग भी बातें कर रहे थे, जिसे सुनते वो गहरी आँखों की गौर करने लगी कि कौन बोल रहा है। आमिर के भी आँख खुल गई और जल्दी से वो उठ खड़ा होता बाहर की तरफ चला गया ये देखने की खातिर कि कौन आया। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ झाँका पुलिस एक औरत के हमरा अंदर दाखिल हुई। मैडम, क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी बेटी यहीं पर ही होगी? जी सर, क्योंकि लास्ट टाइम वो यहीं पर ही थी, इसके बाद पता नहीं कहाँ चले, क्या कहाँ चले गए, हर जगह तलाश कर चुके लेकिन अतः पता नहीं मिला। ठीक है फिर हम देख लेते हैं, जाओ और जाकर देखो अपनी टीम को वापस। पुलिस वालों ने सहरिश को ढूंढने का कहा। हमें यह सब देख तेज़ी से वहाँ से वापस अपने कैबिन में और सहरिश को जल्दी से उठने का कहने लगा, कहीं छुपाने की खातिर। लेकिन सहरिश पूरी कोशिश करने लगी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, जिसे देखा हमें भी गुस्से से चीखता हुआ, अगर तो उन्हें तो ना चले तो तेरी माँ बहनों सबको मार दूंगा, समझे? तो इसने धमकी को सुने सहरिश भी डर गई, जिसके बाद से इसके साथ जाने लगी। कैबिन से बाहर निकले इसने अपने बाजू में पहना ब्रेसलेट उतार कर जानबूझकर ज़मीन पर फेंक दिया, जिसका अलम आमिर को हरगिज ना हुआ। वह इसे साथ ले जाता स्टोर रूम, जिसकी चाबी पता नहीं कैसे इसके पास थी, मैं इसे लेकर चला गया और लॉक कर दिया। प्लीज़ सभी जगह देखने के बाद आखिर सहरिश की वालदा से कहने लगी कि आपकी बेटी यहाँ पर भी नहीं है, जिस पर वो रोने लगी। जैसे ही वो कुछ कदम चली थी इसे सहरिश का ब्रेसलेट दिखाई दिया, जिसे देख फौरन से वो उठाती, मेरी बच्ची का है ये ज़रूर, वो यहीं पर है, प्लीज़ ढूंढें इसे। प्लीज़ सहरिश अपनी वालदा की आवाज़ करीब से सुने देख स्टोर रूम में आमिर के साथ बैठी बेचैन होने लगी कि कैसे बताए वो यहाँ पर है। तभी इसके पास में जो डब्बा इसे दिखाई दिया, जिसे देखती वो आमिर की तरफ नजर के बाद मुश्किल से टांग मारती नीचे गिरा गई। सहरिश ये हरकत करने के बाद सॉरी सॉरी कहने लगी ताकि आमिर को शक ना हो। आमिर फिर भी गुस्सा कैसे खामोश रहने का क्या गौर करने लगा कि ये आवाज़ किसी ने सुन तो नहीं ली। बाहर मुझे सभी पुलिस और सहरिश के वादा डब्बा कहने की आवाज़ को सुनते हुए स्टोर रूम के पास चले आए, खटखटाने लगे क्योंकि चौकी दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था को देख वो चौंक उठे और इनका शक हकीकत में बदलने लगा। कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो, पुलिस वालों ने अंदर मुझे उस शख्स को दरवाज़ा खोलने का कहा, जिसे सुना हमें खौफ खाता इधर उधर देखने लगा कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस वाले रिस्पॉन्स ना मिलने पर दरवाजे को तोड़ने लगे। आमिर सहरिश को खड़ा करता, तुम कुछ मत
क्या बताना, हम तो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तो बता देना कि जान बूझ कर हम यहाँ पर रुके। वो पागलों की तरह से समझा रहा था, जैसे कि जो ये कहेगा सहरिश मान जाएगी। दरवाज़ा टूटते ही सहरिश उम्मीद भरी नज़रों से पुलिस और अपनी वादा को देखने लगी, और आमिर इसी का इसका अंजाम क्या होगा के बारे में सोचने लगी। मेरे बच्चे चूँकि सहरिश के कपड़े फटे हुए थे, सहरिश की वादा अपनी चादर को उतार इसे देने के खाते करीब जाने लगे, लेकिन आमिर सहरिश को बाजू से पकड़, दोनों हम दोनों से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और सहरिश अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रही थी। वो अभी भी वही बात किए जाए, जिसे सुनते सहरिश ने जोर दर थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा, क्योंकि जो नफरत इन चार दिनों में वो अपने अंदर छिपाए हुए थी आज निकालने लगी। घटिया इंसान, किसी भी लड़की को अगर तुम जैसे लोग पसंद करते हैं तो क्या ऐसे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करने करोगे? ना कि मत ना का मतलब ना ही होता है, जिसे बर्दाश्त करना सीखो। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे और मैं तुमसे शादी कर लूँगी? कैसे सोच है तुम्हारी? हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवा दूँगी जिसके तुम लायक हो, और तुमसे वो लड़कियाँ भी बच सके। वो बहादुर लड़की थी, इसी वजह से खुद के साथ इतना सब कुछ कर हो जाने के बावजूद वो टूटी हरगिज नहीं थी। आमिर को पुलिस पकड़ कर अपने साथ ले गई, और सहरिश को इसकी वादा चादर लपेटे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। सहरिश का बयान लिया गया, जिसमें इसने अपनी पूरी कहानी बताई कि कितनी मरतबा इसने इसके साथ ज़बरदस्ती की। तफ्तीश के दौरान यह बात साबित हो गई कि वॉचमैन ने ही पैसे लेकर इन्हें यहाँ बंद किया था। ये सारे का सारा आमिर का सोचा समझा प्लान था। वॉचमैन को भी पकड़ लिया गया, और आमिर से भी पूछ पूछ के दौरान इसने बताया कि वह 7 माह पहले मिला था सहरिश से, लेकिन इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद थी, यहाँ दिमाग में बैठ सी गई थी, फिर क्या मैंने सोच लिया इसे तो हासिल करके रहूँगा। इसी वजह से यहाँ जॉब भी की, अब चाहे फांसी भी क्यों ना हो जाए मैं खुश हूँ, क्योंकि ये हासिल तो कर ही लिया इसे, वो भी एक बार नहीं पूरे 15 बार। वो हंस हंस कर बकवास कर रहा था, जिसे सुन पुलिस वालों को भी गुस्सा आ गया। बेशक सहरिश को ऐसे जख्म मिले थे जिनका भर पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते खुद को संभालने लगे, अपने काम में फोकस करते इसने अपना मुकाम मज़ीद बुलंद किया, और हर लड़की के लिए मिसाल बन गए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो चाहे हिम्मत और हौसले का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी भी इसका दिल दहल जाता इस 4 दिनों के बारे में सोच कर। आमिर का चेहरा बार बार इसके नज़रों के सामने आकर इसे टराने का बायस बनता। तो आज कहते हैं, होप सो आपको पसंद आई होगी हमारी ये कहानी भी। तो करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ वीडियो को लाइक, ऐसे मज़ेदार नॉवेल्स के लिए।